हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाई SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों, लेक्चर का शुरुआत करते हैं दो लाइंस के साथ। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप में हम लोग कुरमाली के डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 15 करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, पूरे ईमानदारी के साथ। और हाँ, आप सभी झारखंड फाइटर्स बाई SK7 यूट्यूब चैनल को इतना प्यार और लेक्चर्स देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुरमाली ब्याह गीत किना गीत है थे, यानी कि कुरमाली ब्याह गीत कौन से गीत के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए श्रम गीत, ऑप्शन बी संस्कार गीत, ऑप्शन सी पर्व गीत या ऑप्शन डी लोरिक गीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कार गीत। कुरमाली ब्याह गीत जो है संस्कार गीत के अंतर्गत आता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डमकच कवे गावत, यानी कि डमकच कब गाया जाता है। ऑप्शन ए बिहाई, ऑप्शन बी कर्मे, ऑप्शन सी सहराई या ऑप्शन डी जन्मे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहाई। डमकच जो है विवाह में गाया जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संहिता ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद काकर भागे आए, यानी कि संहिता ब्राह्मण आरण्य और उपनिषद किनके भाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी वेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेद। ध्यान दीजिएगा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली पहली के किना कहे पारव, यानी कि कुरमाली पहली को क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन ए ज्ञान बढ़ावा, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षा, ऑप्शन सी बिहाई या ऑप्शन डी आदान प्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षा। कुरमाली पहली को जो है बुद्धि परीक्षा कहा जा सकता है। मैंने कुरमाली पहली बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप ये लेक्चर जरूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमालिक आवती बेरा के हिंदी किना कथिक, यानी कि कुरमाली के आवती बेरा को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्यकाल या ऑप्शन डी सभी किला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भविष्यकाल। कुरमाली के आवती बेरा को जो है हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने आईजी किना रकम है, यानी कि कुरमाली में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। कुरमाली में जो है आईजी यानी कि सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोन ले बहराली चीती, चीती कहे मोय भाते मोती, ईटा किना है थी। ऑप्शन ए पहेली, ऑप्शन बी कहावत, ऑप्शन सी मुहावरा या ऑप्शन डी लोकोक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहेली। ये एक इम्पॉर्टेंट पहेली है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोन ले बहराली चीती, चीती कहे मोय भाते मोती, कर्मा ने किना है थी। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी जाम, ऑप्शन सी तेतीर
या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोनो नहीं। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू। इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया चुका धुंधलुका पहली टकमा ने किना है दिख। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी आम या ऑप्शन डी जामुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैगन। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुक किनारों को में आंगा है दिख, यानी कि जोश जो है किस प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए गठबाचिकांगा, ऑप्शन बी जेनकीबाचिकांगा, ऑप्शन सी ध्येयबाचिकांगा या ऑप्शन डी डिंगबाचिकांगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्येयबाचिकांगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में अबस्ट्रक्ट नाउन कहते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपन कर्म भाई धर्म ई कथा ढा कने कहे। ऑप्शन ए माए, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी बहिने या ऑप्शन डी दादा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहिने। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि गौरांगिया डैश कर परम भक्त रहे। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी श्री कृष्णा, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी राधा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री कृष्ण। कवि गौरंग्या जो है श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, गौरंग्या का जन्म जो है 1775 ईस्वी में पुरुलिया जिला के बाग मुंडी राजा अयोध्या के घर में हुआ। मैंने गौरंग्या पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर बनाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। JSSC CGL के सिलेबस में कवि गौरंग्या के बारे में दिया गया है, इनसे एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माहने उपसर्ग के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में उपसर्ग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी परिक, ऑप्शन सी यकून या ऑप्शन डी बेहुदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेहुदा, यानी कि कुरमाली में जो है उपसर्ग को बेहुदा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, परिक का मतलब कारक, यकून का मतलब समास होता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनंद सिंह का जन्म कब हेल आए, यानी कि बिनंद सिंह का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1771, ऑप्शन सी 1772 या ऑप्शन डी 1773। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1770। बिनंद सिंह का जन्म जो है 1770 ईस्वी में सिल्ली के राजघराने में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिनंद सिंह का मरण कब हेल आए, यानी कि बिनंद सिंह का मृत्यु कब हुआ। ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1847 या ऑप्शन डी 1848। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1846। बिनंद सिंह का मृत्यु जो है 1846 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्मल मातों कर कई टा बेटा आधे, यानी कि निर्मल मातों के कितने बेटे हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोनो नहीं। निर्मल मातों के जो है कोई भी बेटे नहीं हैं, निर्मल मातों ने विवाह ही नहीं किया था। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैलेंद्र मातों कर कैटा बेटा अधिक, यानी कि शैलेंद्र मातों के कितने बेटे हैं। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दो। शैलेंद्र मातों के जो हैं दो बेटे हैं। ध्यान दीजिएगा, उनके बेटों के नाम विश्वजीत और अभिजीत हैं। मैंने शैलेंद्र महतो पर बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर कराया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समर गाथा कने लिखल आए, यानी कि समर गाथा किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए देवेंद्र नाथ महतो, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ महतो,
ऑप्शन सी डॉक्टर HN सिंह या ऑप्शन डी शैलेंद्र माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शैलेंद्र माथुर। समर गाथा जो है शैलेंद्र माथुर जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समर गाथा पथिटा कौन बछरे छपल आए, यानी कि समर गाथा किताब जो है कौन से साल में छपा। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012 या ऑप्शन डी 2013। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011। समर गाथा किताब जो है 2011 ईस्वी में छपा गया। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्तिपद महतो कर गोत्र किना है थी, यानी कि मुक्तिपद महतो जी का गोत्र कौन सा है। ऑप्शन ए हिंदवार, ऑप्शन बी टिडुआर, ऑप्शन सी पुनरियार या ऑप्शन डी कौन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुनरियार। मुक्तिपद महतो जी का गोत्र का नाम जो है पुनरियार है। तो दोस्तों ये था कुरमाली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 15। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।